गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अभी मैं निकल पड़ी हूँ, बस पकड़ना है, मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं। पहला दिन है ना, तो अगर इस थोड़ी देर जाकर मोड़ जो मेन रोड होता है वहाँ पे बस रुकती नहीं, लेकिन मेरे लिए अगर रुक जाए तो इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं रुके, मतलब पुराने जो स्टॉपेज है वहाँ पर मुझे जाना पड़े तो बहुत दूर है, तो इसलिए वो साथ में जा रहे हैं। और देखती हूँ बस वाला, हाँ बस रुका मेरे लिए, पहचानते हैं मुझे, रोज़ जाती हूँ इस बस पर। तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मेरे लिए रुक जाना, तो मुझे साइकिल नहीं करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने, बस ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, चलो आपके लिए रुक जाएंगे हम एक मिनट के लिए। हालत देख ही रहे हो, पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है, लग रहा है अभी मर जाऊँगी। धूप भी है, बात करने की हालत में नहीं हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। ख़त्म, अभी मैं रास्ते में हूँ। और ये देखो खजूर, मैंने बोला था ना आप लोगों को दिखाऊंगी जब खजूर पकेगा, ये एक दो ही मिल रहा है, बाकी सब चले गए, बच्चों ने शायद उठा लिया है। मैं एक दो ही लेती हूँ, फिर आऊँगी जिस दिन, फिर देखूँगी। ये अभी कच्चे है, ये पीले पीले जो है ये अभी कच्चे है, देसी खजूर, ये दो तीन मिले हैं। चलो ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखती हूँ रास्ते में और मिलते हैं, लेकिन हाथ नहीं जाएगा। वो देखो उसके खजूर हैं लेकिन हाथ तो नहीं जाएगा। हाँ ये देखो डंडे से लेती हूँ, डंडे से, ये देखो खजूर गिर रहा है, देख रहे आप लोग, खजूर गिर रहा है, ये देखो ये देखो। बच्चे लोग डंडा भी रख के गए कि कोई अगर खाए तो खाए, वो भी आएंगे खाने। तो देखती हूँ कितने हो सके लेती हूँ, पेड़ में ही ज़्यादातर अटक गए, अटक गए बाबा रे, कांटे है। और इधर भी कांटे हैं, पेड़ में ही सब अटक गए, नीचे देखती हूँ कितने गिरे। हाँ ये देखो एक गिरा है, और दिख नहीं रहे, बहुत सारे गिरे लेकिन अभी ढूंढना ही मुश्किल, देखते अंदर ही ज़्यादातर गिर गए। बदमाश खजूर मुझे खाने नहीं देंगे, धोकर खाऊंगी, पहले निकाल तो लो, बाप रे बहुत कांटे हैं। चलो दो ही खाती हूँ, बहुत कांटे हैं, धो लेती हूँ फिर खाती हूँ। दूसरे पेड़ से अगर गिरे तो देखो, यहाँ ये देखो एक, ये चलो धोकर देखती हूँ बाद में खाती हूँ। चलो पानी भर लेती हूँ, बोला था ना आप लोगों को टंकी से पानी भरूंगी, नहीं लगाई है ये टंकी सरकार की तरफ से। चलो इस रास्ते में थोड़ा रुक भी लिया, बट के नीचे हवा भी खा ली, अभी एक बोतल पानी भरती हूँ फिर आगे निकलूँगी, बहुत पानी की ज़रूरत है आज, इतनी गर्मी है। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पानी है ना ये सोलर एनर्जी से चलता है, और ऊपर सोलर प्लेट है, टंकी पहले फिर ऊपर सोलर प्लेट, और उसी से सबमर्सिबल के ज़रिए शायद पानी उठाया जाता है, मुझे इतना पता नहीं, आप लोगों को जितना हो सके मैं दिखा, मैंने दिखाया। और आसपास देखो जंगल एरिया, इसके बीच ही गांव है, और क्या, चलो अभी पानी भर कर यहाँ से निकल लेती हूँ। अच्छा लगा ये, मतलब रास्ते में, बीच रास्ते में ऐसे पानी का इंतज़ाम करना बहुत बहुत अच्छी बात होती है राहगीरों के लिए, मुझ जैसे ज़्यादातर। पता नहीं प्रीतम की तबीयत कैसे है, स्कूल जाना ही नहीं हुआ उसका, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो स्कूल जा नहीं पाया, पेट में दर्द है, दर्द है बोल रहा है, तो कैसे बच्चों को भेज दूँ। कल बहुत उल्टा सीधा खा लिया बहुत ज़्यादा, तो आज तबीयत बिगड़ गई, टिफिन भी बनाया, सब कुछ रेडी किया, बैग भी उसने कल रात को रेडी कर लिया था, और मैंने ड्रेस वगैरह सब सामने रखा था कि सुबह होते तो स्कूल जाना है, 5:30 बजे बस है, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ गई जाना नहीं हुआ।
रहा है। उसको पापा को बोला है ORS ला देने को, कि ORS पिलाते रहो सारा दिन, वो ठीक हो जाएगा कल तक। चलो अभी निकलती हूँ, रुक जाऊँगी तो यहीं रुकने का मन करेगा, बट के जो पैर होते हैं उनके उनके नीचे अगर थोड़ी देर रुक जाओ तो लगेगा यहीं पे सो जाती है। चलो अभी निकलती हूँ। बैठ गई आकर, साइकिल रख दिया है और आज गर्मी के कारण कोई भी नहीं है। देखिए दूसरे दिन बहुत लोग बैठे होते हैं लेकिन आज गर्मी के कारण कोई नहीं, सब अपने घर में, कुछ लोग इधर उधर हो गए। बस कब आती है देखती हूँ। यहाँ कुछ पैकिंग चल रहा है, देखती हूँ क्या है। बस जहाँ मैं पकड़ती हूँ पास ही में बैठे हैं ये, तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यह है चाकी, पत्थर से बनी हुई, पत्थर काट के बनाई जाती है शायद, मुझे इतना भी नहीं पता। तो वो चाकी है, ये साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या पता नहीं कैसे बेचने जाते हैं गांव-गांव में, इसलिए रेडी कर रहे हैं, पैकिंग चल रही है अभी। बस नहीं आया तो मैंने देखा यहाँ पे लिखे हुए ये अंकल जो, तो आप लोगों को भी थोड़ा दिखा लिया, शेयर कर लिया आप लोगों से। बेलन चाकी है, पत्थर की बेलन है, चाकी है बेलन नहीं, पत्थर की है। बेलन तो काट का ही होता है, लकड़ी का मिलता है। कटोरी थाली ये सब भी है, तो अंदर पैकिंग हो चुका है। पत्थर से बनी हुई, काले पत्थर से हाथों से बनाई जाती है, हाथों की कारीगरी है ये। हाँ कुछ नहीं, चलो देखते हैं कब बस आता है। घर पहुँच गई, देखती हूँ किचन की हालत क्या। पीतम पढ़ रहा है, ट्यूशन टीचर आया है, बोलो ना तबीयत खराब हो गई, नहीं तो आज स्कूल खुलने वाला था पीतम का, खुला भी है वो नहीं गया, तबीयत बिगड़ गई। तो मास्टर जी को बुला लिया है ताकि इस समय पढ़ा दे, तो 4:30 बजे आने वाले थे, तब थोड़ा रेस्ट करेंगे, सभी रेस्ट करेंगे, मास्टर जी भी रेस्ट करेंगे अभी पढ़ा के चले जाए तो। कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या क्या बनाए मेरे हस्बैंड जी ने देखो, मछली फ्राई कर चुके हैं, बैंगन आलू सब फ्राई हो चुका है, और ये है डाटा, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक नहीं है ये, कोई साग का डाटा है, और ये है कचरा। बहुत दिनों बाद मेरे हस्बैंड जी को मौका मिला है, और कल ये अंडे सब लाए हैं, फ्रिज में रखना है तो रख दूंगी। और भी कुछ लाए हैं, ये देखिए बिस्किट, बड़े बड़े फाइल, ये गुड्डे का है, यहाँ पर बहुत कुछ जमा है। अभी तक मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाई, माफ़ करना मुझे। ये देखिए गुड्डे का बड़ा फाइल लाया, लगता है तो बड़े बड़े लाना ठीक है ना, अभी 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए फिर लाओ लाओ, तो इससे तो बेहतर है बड़े वाले पैक ला दो। और क्या लाए हैं, ये केक टिफिन के लिए, कल बहुत कुछ लाए हैं। हाँ पनीर लाए है, फ्रिज में है, लेकिन आज तो मछली बन रहा है तो पनीर रह जाएगा। मैंने बोला था पनीर ला देना, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है, ये लाते ही नहीं, ये पसंद नहीं करते तो ना लाते भी नहीं। और मुझे पनीर सबसे ज़्यादा पसंद है, चिकन मटन फिश सबके ऊपर मैं पनीर को रखती हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन आज भी नहीं बनेगा, कल बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। और क्या, और क्या लाए, और जो जो लाए इधर उधर, कहाँ चले गए अभी, मतलब रख दिया डिब्बे में भर कर। हाँ हॉर्लिक्स लाए थे वो भी रख दिया है पीतम के लिए। और चलो अभी ऑर्डर दे के गए हैं कि थोड़ा सा अदरक और पोस्तो, मतलब पॉपी सीड पीस के रखो, वो तो सिली बटर पीसा जाएगा, फिर वो का वो आकर बनाएंगे। चलो तो ऑर्डर है तो करना तो है। ये देखो पीतम फाकीबाजी कर रहा है, फ़ोन पे ही पढ़ाई है, लेकिन फ़ोन लेकर बैठा है, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा है, ये करता है, बहुत चालाक है, खुद को बहुत चालाक समझता भी है और है भी। और इधर मेरे हस्बैंड जी मछली की जो सब्ज़ी है वही बना रहे हैं, बैंगन आलू टमाटर मसालों के साथ, जो डाटा भी थोड़ा दिया है शायद, और ये कचरा पोस्तो बना है जिसमें भी थोड़ा डाटा दे दिया है, तो दोनों बन गए। और मैंने मसूर की दाल दे दिया है आलू चोखे की तरह दे दूँ बना लूँगी। और ये देखो बेड मैंने साफ़ कर लिया, घर साफ़ कर लिया। ये देखो क्या उसी की माँ ने मुझे गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट। और प्रीतम को तो मतलब अभी खोलना है, मैंने बोला बाद में खोलना, अच्छे से खोलूँगी, नहीं प्रीतम को अभी खोलना है, और आयुषी को भी अभी देखना है क्या है क्या है, तो मैंने बोला ठीक है चलो खोल लो देख लो, दोनों शांति कर लो तो भी ठीक है।
ये देखो गणपति, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गणपति, मुझे बहुत 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 पसंद आया। और मैंने बोला, प्रीतम को बोला, एक बार उसी के हाथ में भी दो, वो भी देखने के लिए, छूने के लिए तरस रहा है, तरस रही है। और मैंने बोला शोकेस में एकदम रख दो, इधर उधर नहीं, तो अच्छा रहेगा ना, शोकेस में अगर एक बार रख दो तो ठीक रहता है। बस ये देखो रख दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। शाम हो चुकी है, मिस्त्री आ चुके हैं, किस लिए? क्योंकि ड्रिल का कुछ काम करना है, मतलब ड्रिल से छेद करके कुछ लगाने हैं घर पर जो रह गए थे। ये देखो ये मिरर, बड़े वाला जो मैं सजती हूँ, और ये हैंगर प्रीतम के पापा के लिए, और ये घड़ी लगाया जा रहा है। तो ये 3 सेट करना है और कुछ नहीं करना है, लोग मतलब या और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो यही 3 रह गए, तो इसलिए और ज़्यादा कुछ करना नहीं। और देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मीटर के ऊपर घड़ी को सेट किया है तो अच्छा ही लग रहा है ना। मुझे तो लगा, अब आप बोलो कैसा लग रहा है, लुक कैसा दिख रहा है घर का, है बोलना जरूर। तो जाना, और घड़ी सेट हो गए, लेकिन घर पूरा गंदा हो चुका था, जो मैंने अभी साफ किया है, जगह चेक कर लिया है, और कुछ चीजें इधर उधर आप लोगों को दिख रहे हैं, कल सेट करूंगी, कल सोच रही हूँ, अभी देखती हूँ तबीयत कैसी रहती है। गणपति कितना खूबसूरत है देखो, और क्या, और अभी मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, फिर मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि अभी सब झाड़ू लगाते लगाते मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। तो चलो अभी बाहर थोड़ी देर घूम लेती हूँ, फिर आकर घर का काम करूंगी, जो कपड़े वगैरह है सब समेट के अपनी अपनी जगह पे रखने होंगे। और मौसम एकदम तो बहुत गर्मी, भी पत्ता नहीं हिल रहा है पेड़ का, हवा नहीं चल रहा है, और ये देखो सब आस पड़ोस के लोग बाहर ही है, और इस वक्त तो बाहर ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे। और ये गुड़हल के जो फूल है, ये मुझे नारियल तेल में डालकर बनाना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, और फूल भी ज़्यादा हो नहीं रहे, एक साथ बहुत सारे फूल चाहिए मुझे। ये इस फूल को क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, सफ़ेद वाले फूल अच्छे लगते हैं ऐसे। इतने दिन ऐसे जगह के लिए तरस गई थी, मिट्टी के लिए, जहाँ भी रहे मिट्टी तो मिलने से रहा। मेरे हस्बैंड जी फिर से आए, कुछ ज़रूरत के सामान लेने, ये फूल बहुत ही सेंटेड है ये फूल। और क्या, हाँ ये गुड़हल फूल ही है, लेकिन सफेद वाले फूल है, लोगों के घर के। कुछ नहीं लाए, देखती हूँ क्या जरूरत है इनको, अभी आए। मेरी साड़ी आ चुकी है, ये देखिए, बोलो प्रीतम आप लोगों को दिखाएगा आज, मैं रोज दिखाती हूँ, हर बार आप लोगों को आज प्रीतम दिखाएगा। अफसोस आज आया, तो चलो कभी और दिन स्पेशल कोई डेट होगा तो पहन लूँगी, अभी रेडी करके रखूँगी कॉल्स पिको वगैरह करके, फिर अगले कोई दिन कुछ होगा तो पहन लूँगी। और ये गुड़िया हाय बोलो, खेल रही है ब्लॉग्स के साथ, देखो 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 तो क्या कर रहा है, देखो खोला, चलो छोड़ो, क्या कैसी लग रही हूँ बताना, इस साड़ी में मतलब लगेगा कैसे, देखिएगा मेरे ऊपर बताना। तो ठीक है चलो, आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें
बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, सबकी सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। टाटा बोलोगे? ये बंदर है, बंदर को क्या बोले, बंदर को कुछ मतलब, क्योंकि आप ठीक नहीं कर सकते। तो बाय, गुड नाइट।